मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कल कोटा जाएंगे, इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। कोटा के बाढ़ प्रभावित इलाकों का वो जायजा लेंगे। मुख्यमंत्री गहलोत का बाढ़ प्रभावितों से मिलने का भी कार्यक्रम है। यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल और प्रभारी मंत्री प्रसादी लाल मीणा भी उनके साथ मौजूद रहेंगे। जिस तरीके से हाड़ोती में बरसात हो रही है, डैम लगातार भर चुके हैं और डैम के गेट भी खोले गए हैं, जिसकी वजह से डाउनस्ट्रीम में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। कई गांवों को खाली भी कराया गया, रेस्क्यू टीम लगातार काम कर रही है, लेकिन स्थिति जिस तरीके से वहां की बनी हुई है, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने फैसला किया वो खुद वहां पहुंचेंगे, वहां की स्थिति का जायजा लेंगे, मॉनिटरिंग करेंगे और उसके साथ साथ जहां जिस तरीके की अगर कोई खामी है तो उसको दूर भी किया जाएगा और जो प्रभावित उनसे मिलकर उनका हौसला भी बढ़ाया जाएगा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कोटा के बाढ़ प्रभावित इलाकों का जायजा लेंगे। इस दौरान प्रभावितों से मिलने का भी उनका कार्यक्रम है। यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल और प्रभारी मंत्री प्रसादी लाल मीणा मौजूद रहेंगे। हमारे साथ कोटा से सहयोगी भवर जुड़ गए हैं। भवर, जिस तरीके से मुख्यमंत्री का दौरा है, वहां के हालात किस तरीके के और क्या आपको लगता है कि वो कौन कौन से इलाके जहां मुख्यमंत्री दौरा करेंगे? देखिए विजेंद्र, फिलहाल सबसे बड़ा मानसूनी अपडेट यह है कि कोटा बैराज से पानी की निकासी जो कि आज सवेरे तक 5 लाख क्यूसेक तक की जा रही थी, अब घटा करके 1.25 लाख क्यूसेक के आसपास तक वो निकासी रह गई है। तो ये एक बड़ी राहत की खबर है। कोटा शहर में हालांकि बहुत सी बस्तियां अभी भी जल भराव का शिकार है, लेकिन फिर भी रिवर फ्रंट की दीवार के चलते बहुत सी बस्तियां ऐसी है जिनमें जल भराव की स्थिति नहीं बनी बनिस्बत पिछले सालों की बाढ़ के। लेकिन ये जो पानी का फ्लो हुआ है, ये आगे जा करके और जो देहाती इलाके हैं, खासकर कोटा का इटावा इलाका, सुल्तानपुर, दिगोद, सांगोद, वहां के गांव में व्यापक तबाही मचा रहा है। और अभी भी ऐसे 50-45 के आसपास ऐसे गांव बताए जा रहे हैं जो कि पानी से घिरे हुए हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कल खुद आकर के और कोटा में बाढ़ प्रभावितों से मिलेंगे। इस दौरान कोटा शहर में वो कुछ बस्तियों में भी जा सकते हैं और जयपुर से कोटा के रास्ते में वो कोटा एयरपोर्ट पर लैंड करने से पहले हवाई सर्वे करके पूरे हाड़ोती संभाग में जिस तरह से बाढ़ के हालात बने हैं, क्योंकि बाढ़ के हालात विजेंद्र सिर्फ कोटा में नहीं है, कालीसिंह डैम के गेट खोलने के चलते झालावाड़ में भी हालात बिगड़े हुए हैं और पार्वती नदी के रौद्र रूप दिखाने के बाद बारा में भी बाढ़ के हालात हैं। तो करीब करीब पूरा संभाग इस वक्त बाढ़ की चपेट में है। वो सारे हालात मुख्यमंत्री देखने वाले हैं। प्रभारी मंत्री प्रसादी लाल मीणा पहले ही कोटा पहुंच चुके हैं, उन्होंने भी थोड़ी देर पहले एक रिव्यू मीटिंग भी ली है और यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल भी कल सवेरे कोटा के लिए रवाना हो जाएंगे। बोट के जरिए मुख्यमंत्री बाढ़ प्रभावित इलाकों में पहुंचेंगे या एरियल व्यू लेंगे? देखिए कोटा शहर में भी ऐसी स्थितियां नहीं है कि कहीं, क्योंकि आज सवेरे के बाद से जैसा मैं बता रहा हूं आपको कि लगातार विजेंद्र पीछे से गांधी सागर बांध से भी पानी की आवक कमजोर पड़ गई और आज कोटा में बारिश नहीं हुई, बल्कि कल देर दोपहर के बाद से बरसात का दौर थमा है। तो पानी काफी हद तक शहर में उतर गया है और शहर में अब ज्यादा दिक्कतें हैं नहीं। कुछ इलाकों में जरूर जल भराव के हालात हैं, ज्यादा मुश्किलें देहाती इलाकों में। तो मुख्यमंत्री पहले एरियल सर्वे करेंगे और बाद में शहरी इलाकों के जो बाढ़ पीड़ित है, जिनको शेल्टर हाउसेज में पहुंचाया गया है, निचली बस्तियां जिन्हें खाली कराई गई है जी, वहां के जो प्रभावित हैं उनसे उनका मुलाकात करें। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए।